मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से स्वागत करते हैं आपके study.com ऑनलाइन में क्लासेस के तहत। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक न्यूज में हाल ही में जवाद, जो कि अभी भी प्रभाव देखा जा रहा है, एक चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो जो फैक्ट्स हैं उसको हम आज क्लियर करेंगे क्लास में। तो सबसे पहले ये जानें कि चक्रवाती तूफान जो है जवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो भारत का जो मानचित्र है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो कहीं भी जब साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो वो निम्न दबाव क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है, लो प्रेशर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, निम्न दबाव क्षेत्र, यानी समुद्र के पास जहां भी जिस क्षेत्र में निम्न दबाव क्षेत्र अगर बनता है तो वहां से चक्रवात धीरे धीरे विकसित होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। तो बंगाल की खाड़ी में ही एक यहाँ पर इस पोर्शन से जो है चक्रवात जो है उत्पन्न हुआ है, जो कि बताया जा रहा है भारत में कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पर एक उड़ीसा राज्य है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है उड़ीसा राज्य, और यहीं पर एक पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। इन तीनों राज्य में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस चक्रवात का बहुत ज्यादा प्रभाव के रूप में देखा जाएगा। भारतीय मौसम विभाग जो IMD है, जो अलर्ट किया गया है पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा जो जवाद जो चक्रवाती तूफान है यहाँ से उत्पन्न हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य में प्रभावित करेगा। और धीरे धीरे बताया जा रहा है ये भी कि उत्तरी इलाकों क्षेत्र में, दिल्ली वगैरह, गुजरात वगैरह, राजस्थान, धीरे धीरे ये सब भी एरिया में प्रभाव डालेगा। तो जवाद तूफान हम लोग जानेंगे कि जवाद तूफान जो है किस देश के द्वारा नाम दिया गया। तो एक सऊदी अरब के द्वारा जो है इस चक्रवाती तूफान का नाम जवाद दिया गया। जवाद का अर्थ भी हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, उदार, या इसी को बोलेंगे दयालु। यानी कहा जा रहा है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि जो ये भारत में चक्रवाती तूफान का जो प्रभाव रहेगा पिछले सालों की तुलना में, जो पिछले साल अम्फान चक्रवाती तूफान आया, उसके बाद इस साल मई के महीने में यास तूफान आया, ताउते आया, इस तरह के जो भी भारत में चक्रवाती तूफान का जो प्रभाव देखा गया पिछले साल और इस साल मई के महीने में, उसके तुलना में ये जो है चक्रवाती तूफान भारत में कहीं ना कहीं कम प्रभावित करेगा। लेकिन फिर भी भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि इस जवाब तूफान जो है हो सकता है ताकतवर के तौर पर देखा जा सकता है, इस तरह का जो है अलर्ट मोड किया गया है। इस चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाई लेवल का मीटिंग किया गया है, जिसमें एक तटीय इलाके में कोस्ट गार्ड, NDRF जिसको बोलते हैं, NDRF या कोस्ट गार्ड, इन सारे टीमों को तटीय इलाके में, आंध्र प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा, सभी तटीय इलाकों में तैनात किए गए हैं टीम इसके बचाव के लिए। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी हम आज बताए जवाब तूफानी चक्रवात के बारे में, इसमें दो चार बातें याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि हाल ही में कौन सा चक्रवाती तूफान आया। तो जवाब, या उसको हम कह सकते हैं कि जवाब क्या है, तो एक चक्रवाती तूफान है, जो इस जवाद का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है,
तो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। इस जवाब का अर्थ क्या होता है? तो उदार या दयालु। हम कह सकते हैं इस चक्रवाती तूफान के बारे में कि पिछले जो सालों में जो चक्रवाती तूफाने जो आए उसकी तुलना में ये उदार, यानी कहने का मतलब है ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी मतलब भारत के जो भी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का चेतावनी है, अलर्ट किया गया है कि नहीं, हो सकता है इस जवाब तूफानी चक्रवात से भी कहीं ना कहीं ताकत बनकर उभर कर हो सकता है विनाशकारी के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, आज का क्लास इस टॉपिक के अंतर्गत एग्जाम की दृष्टि से यही सारा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम आज क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्त।